हाँ जी, आज का जिहड़ा अपना टॉपिक हैगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है जी। सो ये टॉपिक मतलब अगर कंस्ट्रेंट्स इग्नोर कर दिए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सौखा लगता है, बट जे तुसी जेई एडवांस जेई ए वगैरह देने होन पेपर, फिर कंस्ट्रेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पैंदा और कंस्ट्रेंट्स करके किसी ना किसी क्वेश्चन दे विच थोड़ी जी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है जी। सो आपां स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो इहदे विच इस लैसन दे विच ना मैं नाल डिफरेंशिएशन कवर करूँगा, नाल तुहानूं बेसिक आइडिया इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री का भी दे जाऊँगा। उहदे नाल की हैगा तुहाडे कोल बई तुहानूं काफ़ी आइडिया इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री का मिल जाएगा। बाद दे विच जदों मैं फंक्शनस दे लैसन बनाऊँगा उस तो बाद फिर इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री फिर आपां दोबारा एक बार ऑफिशियली कर लाँगे। सो साइन इनवर्स एक्स है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इहदा जिहड़ा डिफरेंशिएशन होंगी है 1/1 माइनस एक्स स्केयर होंगी है, नाल डी डी एक्स ऑफ एक्स जो कि 1 ही आ जाना, एक्स बिलोंगस टू दिस, आ जाना एक्स बिलोंगस टू लिखे ना -1 to 1। ठीक है जी। ये डोमेन है यानी कि फंक्शन इस वैल्यू ते ही डिफाइन है, आगे पीछे नहीं। जे मैं वैसे सोचा तो देखो मेरे पास फंक्शन की है 1/1 माइनस एक्स स्केयर, तो इनू आपां बचाण लई इहदी डोमेन डिफाइन करन लई मैनू इह नॉन जीरो चाहिए, इहदा मतलब मैनू एक्स की वैल्यू +-1 नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ रूट विच है, यह पॉजिटिव चाहिए, जे पॉजिटिव चाहिए तो 1 -x 1 + x भी पॉजिटिव ही चाहिए, नैगेटिव कोफिशेंट 1 चाहिए, नैगेटिव चेंज कर देना वा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। छोटा अगे लिखना होंगे x -1 तो x -1 ए लैस दैन, तो यदा मतलब आंसर की आया। ठीक है जी। -1 और 1 बिच तुसी बिलोंग करके, तो यदा मतलब है कि डोमेन का आइडिया सानू ठीक ठाक ढंग नाल होना चाहिए। जे तो डोमेन का आइडिया है तो तुसी जिहड़ा हैगा ये चीज़ा कर पाओगे, तो यदा मतलब तुहानू एक दी डोमेन कढ़ती तुहानू बाकियां दा। इस तरह कॉस इनवर्स का फार्मूला है वह आता एक्स बिलोंगस टू, फिर सेम इदा ही हैगा तुहाडे को। ठीक है जी। सो आगे चलिए आप टेंजेंट इनवर्स का, टेंजेंट का डेरीवेटिव देखो 1/1 + x² आया, नीचे एक्स स्केयर जिहड़ा है एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालो नीचे जीरो नहीं आ सकता, यदा मतलब सारिया रियल वैल्यूज लिए जिहड़ा है ट्रू हैगा। ठीक है जी। उस तो बाद कॉट का नैगेटिव आ गया, -1 नीचे 1 + x² हैगा, यह भी तुसी याद रखना, डेरीवेटिव तो सारे याद करने हैं। उस तो बाद सीकेंड का आ गया तो देखो एक्स का मॉड है, -x² - 1 है विद इन अपने कोल रूट हैगा। ठीक है जी। सो सीकेंड का भी हो गया, तो डोमेन यदि बिल्कुल उस तरह हैगा, बेशक तुसी करके देख लियो। तो देखो डोमेन करने लिए की करना पैना, तो जीरो नहीं लेनी पैनी क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता, ए भी नहीं जीरो हो सकता, +-1 नहीं हो सकता, ये चीज़ ग्रेटर दैन आऊगी तो बड़े आराम ना निकल जूगी। तो इन्ना कम बंदे ने 11 च किया हों, दिक्कत कोई नहीं, बस तुम्हें पता होना चाहिए, पता होने ना कई बार क्वेश्चन करन च प्रॉब्लम नहीं आती, कई बार दिक्कत आ जाती है। सो आप एक एग्जाम्पल ले लीए, एग्जाम्पल लई sin x³ ज हैगा तुहाडे कोल, मैं उहदा एक्स sin 1 x³, साइन इनवर्स का फार्मूला की सी 1/1 - x² dd(x). ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा 1/1 - dd(x). ठीक हो गया जी। हुण इहदा आंसर आ गया 3x². ठीक है जी। तो 1 - x इस टाइम एक्स का रोल आप प्ले कर रहा है, सो एक्स की थान पर यह आ गया dd(x) यदा 3x² नीचे 6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। उस तो बाद मान लो मैं एक क्वेश्चन होर ले लिया साइन ऑफ दिस। ठीक है जी। तो मैं एक डायरेक्टली जिहड़ा हैगा करन लग्या। ठीक है। तो डायरेक्टली देखो 1/1 - x² ए x² dd(x)x। सो लिखता देता। ठीक है। अजीबो गरीब जी, कोई गल नहीं तुहाडे को, ठीक है, आ जाएगा आराम ना, आपां नूं हैंडल करनी आती है, पेपर से इदां दी चीज़ां नहीं आंदियां, बट एग्जाम्पल देके समझाना जरूरी हुंदा। ठीक है जी। सो अगले स्टैप दे विच आपां गए तो ध्यान नाल देखो होएगा कि आ स्केयर इन्ना, तो इत्थे भी स्केयर आ जाएगा, एलसीएम लोंगे तो इत्थे भी स्केयर आ जाएगा, आ एलसीएम जंप करके उत्ते जाएगा, रूट चो एक वैल्यू घट जाएगी, नीचे जिहड़ा है क्वेश्चन रूल लगना v + a cos इहदा स्केयर आ जाएगा, इत्थे फिर तुहाडा क्वेश्चन रूल लगे कहीं लगेगा। सो फार्मूला की लग्या, आ एलसीएम हो गया, ए चीज़ उत्ते होगी, ठीक है, dd(x)। सो आ कल्ला पोर्शन जिहड़ा है ना अगले स्टैप दे विच की कन्फ्यूजन ना कोई क्रिएट हो जाए, आ कल्ला पोर्शन इत्थे सॉल्व है, आ नहीं लिखिया हाले। सो आ कल्ला सॉल्व है, इहदा स्केयर आ गया, इत्थे वी आ गया, dd(x)u, मेरा ख्याल है इन्ना इंटग जिहड़ा डिफरेंशिएशन है सब नूं आंदा। सो जे आंदा डिफरेंशिएशन आ वाली चीज़ उवें लिखी, इहदा स्केयर नीचे खोलता, a² b² 2ab, इत्थे की होया, ए दा कॉन्सटेंट है 0 आ जाएगा, कॉस दा -साइन आ जाएगा, -साइन आ चीज़ उस तरह हैगी है, बी दा 0 आ जाएगा, कॉस दा की हो जाएगा, -साइन आ जाएगा। सो मेरा ख्याल है इत्थे तक हो गया। हुण ये गुणा खाएगा,
नीचे वाली तो चिंता खत्म कर दो, इन्हें ये ना कट जाना हैगा तो इनू स्केयर खोल लें। तो यह जो इन्हें गुणा खाएगा ना नैगेटिव वी स्केयर साइन एक्स, फिर भी बनेगा नैगेटिव ए बी कॉस एक्स साइन एक्स। तो जो नैगेटिव उ प्लस ए बी कॉस साइन एक्स वाली टर्म आ जाएगी। सो अगले स्टैप भी तुम देखोगे, ठीक है, आह तो हेठली कट गई, वो टर्म मैं कट दी। ठीक है जी, नीचों आपने बी स्केयर कॉमन कटिया तो वन माइनस कॉस स्केयर आ गया, ठीक है, नीचों भी टर्म कट गई तो ए स्केयर कॉमन कटिया था। सो जो ध्यान नाल देखो आह वाली टर्म आ इधरों एक पावर कट्टी गई, ठीक है जी, तो नीचे की हो गया वन माइनस कॉस स्केयर साइन स्केयर हो गया, वन माइनस कॉस स्केयर साइन स्केयर। अब साइन स्केयर फिर आपने बाहर निकाल दिता थोड़े को, तो टर्म कट लिया तो थोड़े को जोड़ा है क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, तो जोड़ा हैगा ये थोड़े को देखो अगर सीधी गल करिए, मैं साइन रूट चो बाहर निकाले, वैसे जोड़ा है जे रिग्रेस ट्रीटमेंट देनी है तो साइन इदा चाहिए सी, बट जोड़ा है तोड़िया किताबों के सीधे ही लिखे हुए ने थोड़े को, ठीक है जी। सो जोड़ा है सी बी एस ई चली जाते, वैसे जो उसी रूल कहोगे रूल ये है भी जो स्केयर चो बाहर निकालोगे तो फिर क्वाड्रेंट देखना पैंता है। ठीक है जी, हूँ अगे लिए आप फिर एक क्वेश्चन ले लिए थोड़े को, ठीक है। क्वेश्चन है साइन एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी, साइन का डेरीवेटिव की हो गया जी, साइन का डेरीवेटिव हो गया कॉस डी डी ऑफ, अंदरले का भी तो करना है, ठीक है, तो डी डी एक्स अंदरले का करना है तो अंदरला की सी एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। उस तो बाद क्या होगा, एम तो कॉन्सटेंट, इन्हें तो बाहर चला जाना, साइन इनवर्स एक्स तक ही आ गया वन माइनस वन एक्स स्क्वायर। सो ये सैट करके लिख लिया तो थोड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। सो बिल्कुल सौखे है जी, इन्ने सौखे भी नहीं, पेपर चाहते भी उई फ्री दे खुश हो जाऊँ भी लै भी इन्ने सौखे क्वेश्चन आ गए। हुण जिहड़ी चीज़ है ना अगली चीज़ जिहड़ी है वह बहुत ध्यान नाल देखण वाली है। अगली विच ना मैं लिखिया फंक्शन, मैं लिखिया डोमेन, मैं लिखिया रेंज, ठीक है, और एक टेबल पूरा बनाया होया भी साइन इनवर्स एक्स है तो जिहड़ा हैगा इहदी जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल डोमेन माइनस वन तो वन है तो रेंज जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल वह है, ठीक है। सो मैं एक क्वेश्चन तुहानू एग्जाम्पल लैके समझाना वा तुहाडे को, फिर आपां देखिए तुहाडे को। देखो पहली चीज़ जिहड़ी हुंदी है ना कि जिहड़े इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनज ने वह इनवर्टिबल नहीं हुंदे, मतलब ट्रिग्नोमैट्रिक सॉरी इनवर्स तो पहले ही बोल गया, ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनज हैं जिहड़े वह इनवर्टिबल नहीं होंगे। जे मैं तुसी कहां मैं थोनू भाई साइन एक्स है जी इनवर्टिबल है तो ऐसा नहीं है कि साइन एक्स इनवर्टिबल है थोड़े को, ठीक है। मैं ना एक रफ पेज ले लाँ थोड़े को, साइन एक्स अगर मैं इसे ते बना के देवा थोनू ग्राफ, ठीक है जी। सो ध्यान नाल समझो जी, थोड़े को जिहड़ा हैगा अगर मैं इत्थे ही बना के दवां तुहानू साइन दा ग्राफ, तां साइन दा ग्राफ जिहड़ा है ना वो इस तरह आएगा, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इस तरह ग्राफ आंदा है, और जे मैं इहनू लाइन नू ड्रा करा यही इहनू दो थां ते कट गई, इहदा मतलब वन वन फंक्शन तां है ही नहीं गा इह, ठीक है जी। सो वन वन फंक्शन भी नहीं है, ऑन टू फंक्शन लिए क्या करना होंदा, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज चाहिए है। देखो जिसनों आइडिया है वन वन ऑन टू का, ठीक है, उन्होंने समझ आ जाएगा, जो दूसरे नु नहीं समझ आया कोई गल नहीं, फंक्शंस तो बाद सही, ठीक है। हुण आपां नू नहीं ना पता होंदा किस स्टूडेंट नू आइडिया है तो किस स्टूडेंट नू नहीं आइडिया हैगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स देखते हैं, ठीक है लैक्चर। तो अगर आप सीधा लिखिए कि साइन आप तो पूछिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स वन वन है, वन वन लिए क्या होंदा होंदा तुहाडे कोल, ठीक है, एक पॉइंट है तुहाडे कोल, मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट का इमेज भी डिस्टिंक्ट ही होंदा तुहाडे कोल, तो जो डिफरेंट पॉइंट है तो डिफरेंट इमेज होगा। हूँ आ वन वन नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू की होंगे होंगे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज चाहिए है, अगर फंक्शन जोड़ा है आर टू आर है रेंज थोड़ी माइनस वन टू वन है तो भी नहीं होनी, तो इस करके इस फंक्शन को आप डिफाइन ही बहुत छोटा करते हैं तुहाडे कोल, ठीक है जी, सिर्फ इत्थे तक तो सिर्फ इत्थे तक आ वैल्यूज़ के विच तुहाडा फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों कंडीशन ट्रू करता, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी फिर मैं डिफाइन करता। सो मतलब माइनस पाई बाई टू तो लैके, ठीक है जी, तो आप पाई बाई टू तक गए, मतलब इतने आनी चाहिए एक्स की वैल्यू तो, ठीक है, पाई बाई टू इतने है, इतने माइनस पाई बाई टू है, ठीक है। सो ये तुहाडा फंक्शन इनवर्टिबल बनता, अदरवाइज इनवर्टिबल नहीं बनता है, ठीक है जी, प्रिंसिपल वैल्यू होंगी है, होर भी इंटरवल बहुत ने जिस बनेगा पर सब तो छोटी ला ली होंगी स्टार्टिंग तो। यदा मतलब की होया, तुसी पहली गल जे आप पहला सवाल सीधा चकीए कि क्या ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनज इनवर्टिबल ने, तो आंसर है ना, ठीक है, क्या बनाए जा सकते हैं, तो आंसर है हाँ,
ठीक है जी, वो बनाने लिए सानू एक स्पेसिफिकली उदा ग्राफ कट लिया जिस पोर्शन च वो वन वन भी होवे ते ऑन टू भी होवे ते वो जिहड़ी हैगी है प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन रेंज आपां उहदे ते डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, तो इहदा मतलब डोमेन तो आपां रेंज ते जे डिफाइन करना होवे तो थोड़ा साइन इनवर्स माइनस वन टू वन तो माइनस पाई बाय टू तो पाई बाय टू तक हो गया। ठीक है जी, सो ये चीज़ आपां ने जिहड़ी हैगी है याद रख लेनी हैगी है, जदों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आऊगी उदों आपां नूं डिटेल च पढ़ लांगे, किसी नूं नहीं भी पता होगा वन वन ऑन टू की है, सो कोई एड्डी दिक्कत वाली गल नहीं, टेंशन नहीं लैनी हैगी तुहाडे को। ठीक है, हुण जो मैं अगे दिखा रहा वा उत्ते मैं एक रूल लिखिया, ये ऐसा नहीं है कि साइन लई ही है। ठीक है, बट आपां एग्जाम्पल लिखनी सी, अगर ये तुसीं रूल समझ लिया ना तो यह मतलब ये है कि आधी ट्रिग्नोमैट्री तो थोड़ी वैसे ही हो जानी है। देखो की लिखा है, साइन इनवर्स साइन एक्स है, यानी कि इनवर्स ने साइन नू कट लिया, बट कट्टण लई एक शर्त है, शर्त की है तुहाडे पास, थोड़ा एक्स माइनस पाई बाय टू तो पाई बाय टू दे विच चाहिदा है। ठीक है जी, माइनस पाई बाय टू तो पाई बाय टू दे विच चाहिदा है। ठीक है, ये है कि इस साइन एक्स वाले की जिहड़ी हैगी है प्रिंसिपल ब्रांच च डोमेन हैगी है, साइन एक्स वाले की कह रहा मैं तुहाडे को। ठीक है जी, जे मैं आ देखा ना तुहाडे कोल इत्थे आपां आ कीता साइन इनवर्स की तो रेंज है। ठीक है, तो जे आप इनवर्स देखो, जे साइन इनवर्स इदा डिफाइन है तो साइन कितना डिफाइन हैगा इधरों इधर, यदा मतलब माइनस पाई बाय टू तो पाई बाय टू साइन वाले की जिहड़ी हैगी है आप एक दी रेंज है, एक दी डोमेन हैगी है तुहाडे कोल, सो इस केस विच कल्ले साइन वाले दी डोमेन है। सो एक्स अगर इनू बिलोंग करता है तो यह टर्म कट्टी जाऊगी, नहीं तो नहीं कट्टी जाऊगी, ख्याल खत्म। ठीक है जी, सो तुहानू आइडिया आ गया जी तुहाडे पास, तो इन्हां सारी स्टोरी मुक जानी है। साइन अगर बाहर है, साइन इनवर्स एक्स अंदर है, ये फिर कट्टिया जा सकता है अगर एक्स बिलोंगस टू दिस होवे। ठीक है जी, सो इस बार इदी डोमेन हैगी है तुहाडे को। ठीक है जी, सो सम एप्लीकेशनस तुहानू मैं दित्तियां ने ट्रिग्नोमैट्री चो, मान लो साइन इनवर्स वन बाय टू आ गया, साइन इनवर्स वाला बाहर है अंदर है, तो इनू आपां साइन च लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, वन बाय टू नैगेटिव कितने होंगे साइन माइनस पाई बाय सिक्स से, अब साइन माइनस पाई बाय सिक्स है जिहड़ा, क्या इहदे विच हैगा है, हैगा है जी। ठीक है, आ लिखा हुआ। ठीक है, यदा मतलब साइन ना साइन कटिया जो माइनस फाइव बाय सिक्स थोड़ा आंसर आ जाएगा। यदा मतलब सीधा जहा ख्याल रखना है, अगर तुहानू डोमेन रेंज क्लीयर है तो सीधा जहा ख्याल रखना कि जे साइन इनवर्स बार है, साइन एक्स अंदर है, तो साइन एक्स है जिहड़ा तुहाडे कोल इहदी डोमेन प्रिंसिपल ब्रांच माइनस पाई जे इहदे विच आंदा है तो यह कट पाऊगा, नहीं तो यह कट नहीं पाऊगा। इस तरह जे ये आ गया तो इहदी डोमेन आए तो कट पाऊगा, नहीं तो नहीं। ठीक है जी, सो एग्जाम्पल्स आपां दे लईआं, तो ये वाला रूल है जिहड़ा साइन कॉस टैन सब लई एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि साइन लई लिख दिता। हुण मान लो अगे मेरे पास आ गया कॉस नैगेटिव वन बाय टू। ठीक है जी, कॉस नैगेटिव पहले क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता, यदा मतलब दूजे च होगा, जे कॉस देखिए कॉस जिहड़ा हैगा ये 60 ते जाके अद्धा हुंदा। ठीक है जी, ये 90 तो 30 घटे, मतलब समेट्री करके 90 तो 30 अगे होगा, सो 120 हैगा तुहाडा। वैसे देख लो 1/2 लिया माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 3। ठीक है जी, तो नैगेटिव अंदर ले जाना दूजे पाई माइनस पाई बाय 3। सो ए वाली चीज़ आ गई, क्या ये इसनों बिलोंग करती है। हुण उरे कहने जीरो तो पाई क्यों लिया है, जिहड़ा आपां टेबल बनाया सीगा उस टेबल च चलो इत्थे जीरो टू पाई है। ठीक है जी, कॉस लई सो ये हैगा तो कैंसल हो जू तो आंसर आ जू। सो ये थोड़ी जी ट्रिग्नोमैट्री का तुहानू इत्थों आइडिया मिल गया, तो जे कुछ माड़ा जिहा भी क्लास में आइडिया है तो तुसीं वधिया ढंग नाल कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अगे। हुण आपां तुहाडे कोल जदों आपां अगे गए, अगे आपां ने क्वेश्चन आ गया, सो क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखियो। मतलब मेरे हिसाब नाल जे तुसीं डिफरेंशिएशन इहदी ध्यान नाल कर ली तां समझ लो तुहानूं बहुत कुछ आ जूगा। देखो जाण नूं कुछ नहीं गा क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा थोड़ी हैगी है लैसन की, पर आण नूं इन्ना कुछ है ना, जिस बंदे नूं कंसटेंट समझ आने लग गई उस तों बाद उहदा मैथ इंट्रस्ट इन्ना कु डिवेलप होना भी हाँ बड़ी वधिया चीज़ है मैथ। ठीक है जी, इक हुंदा नंबर लैणे, एक हुंदा दिलों भी कुछ करके खुशी हुंदी है, नंबर का कोई चक्कर नहीं गा, घटा के वधा के पर मैनू अच्छा लगता, सो वो फील आऊगी तुहानू तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी है। सो टेंजेंट इनवर्स जिहड़ा वन माइनस कॉस एक्स हो गया। ठीक है जी, कंसटेंट्स नाल दिते हुए, जदों कंसटेंट क्वेश्चन च नाल दिते हुए हैं तो कदे भी कंसटेंट इग्नोर नहीं करने। ठीक है जी, तो हुण आपां ने क्या कीता, आपां ने यार एक कोशिश इन्हां च ये करी दी हुंदी है कि टैन अंदर ऐसी चीज़ आ जाए कि टैन नूं टैन कट जाए।
जे टेन टेन नाल कटना है तो फिर कंसटेंट तो चाहिए ने, हमने साइन वाला फार्मूला पढ़ाया सी। सो वन माइनस कॉस टू एक्स, ठीक है जी। सो वन माइनस कॉस टू एक्स का टू साइन स्केयर एक्स होंगे होंगे, साइन एक्स का टू साइन एक्स बाई टू, याद है ना, साइन टू थीटा जोड़ा होंगे होंगे वो टू साइन थीटा कॉस थीटा होंगे जी। उरे थीटा आ गया तो उरे हाफ आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये दो ना दो कट जाएगा, एक साइन ये ना कट जाएगा तो टेन आ जाएगा। हुण क्या इनू कट सकता है, कदों जदों आ वाला प्रिंसिपल ब्रांच जाएगा। सो हुण सवाल की दिता हुआ है, माइनस पाई तो आह वो तो एक्स दिता एक्स बाई टू निकाल लिया, आप एक्स बाई टू आप निकाल लिया तो अपनी आ वाली चीज़ आ गई जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण आ वाली चीज़ आ गई तो आपने क्या करना हैगा, आप देखना हैगा तुहाडे कोल जिहड़ी है साडी ब्रांच। हुण जे तुसीं टेन वाले दी याद रखी हुई है तो वह आ सीगी, ये लाई कर गए, हाँ जी कर गए, कर गए तो यदा मतलब है कि इस ना इस कैंसल कर सकते, आंसर आ गया एक्स बाय टू का डेरीवेटिव वन बाय टू। यदा मतलब खेड डेरीवेटिव की तो है ही नहीं, खेड तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की है, तो कली ट्रिग्नोमेट्री की है, तो कंसटेंट्स की है। डेरीवेटिव तो एक्स बाय टू का किया, एक्स बाय टू का डेरीवेटिव का तुम्हें पहले ही पता सीगा, ठीक है जी। सो आगे देखो जी, एक्स स्केयर का जोड़ा रूट हों एक्स मॉड ही होंगे है, मॉड की अगर डेफिनेशन है। बट जिड़िया इलेवन ट्वेल्थ दिताबा ने ना, मतलब जे भी सवाल किताब के तो एक मॉड लिखा हों, ठीक है। सो मैनू नहीं कदे समझ आया भी ऑथरस की सोचते हैं, तो इस करके टीचर्स क्लास में भी मॉड नहीं यूज़ कराते। बट जे तुम जे एडवांस दे रहे हो तो मॉड छड के देख लियो, थोड़ी ऑप्शन नहीं टैली करेगी। सो ख्याल रखना जी, तो जिस क्वेश्चन च हो सकता उस तो कर लो, जिस विच नहीं हो सकता पता ही नहीं लगता कुछ उस फिर छड़ दो कोई नहीं। सो आपा क्वेश्चन लिया टेन इनवर्स वन प्लस आ, दो क्वेश्चन करने ने जी, दो दा डिफरेंस है जिहड़ा तुहाडे कोल, आपा क्वेश्चन दा देख लैना। टेन इनवर्स वन प्लस कॉस एक्स, नीचे वन माइनस कॉस एक्स एक्स दिता। जदों क्वेश्चन विच कंसटेंट दिता होया है तो कंसटेंट इग्नोर नहीं करना, ठीक है जी। सो टेन इनवर्स आ गया, ठीक है, टू कॉस केयर एक्स बाई टू, नीचे मेरे ख्याल फार्मूला सबनों क्लीयर हैगा, प्लस च कॉस होंगे माइनस साइन होंगे, सो टर्म जी हैगी कट्टी जानी है। सो टेन इनवर्स कॉट इनवर्स आ गया, तो मैं ना अगे कॉट का मॉड लिख लेता, ठीक है जी, लिख लिया। अगर बुक च नहीं भी दिता होया तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश तो करिए लिख के, ठीक है। तो एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू पाई बाई जीरो तो पाई है, क्वेश्चन दिता है तो एक्स बाय टू कितने लाई किया, जीरो टू पाई बाय टू। सो जे पाई बाय टू तो लाई किया तुहाडे कोल, ठीक है, तो फस्ट क्वाड्रेंट ही हो गया ना, फस्ट क्वाड्रेंट अगर एंगल लाई करता तो पॉजिटिव ही निकलना, तो इस करके हट गया मॉड। सो बुक वाले सीधा भी हटा देंगे ने भी लिखो ही ना, हटेगी आप ही, ठीक है। इसको आपने क्योंकि टेन ना कॉट तो कट्टना नहीं, नब्बे चो कटा के लिख लिया। हुण ए नू कट्टू कट्टू जे प्रिंसिपल ब्रांच होंगे, प्रिंसिपल ब्रांच लिए फिर कंसटेंट लानी पैनी है। एक्स बाय टू कितने हैगा, ए जीरो तो पाई बाय टू है, माइनस ना गुणा की निशान बदल जाता है, ठीक है जी। माइनस ना गुणा करूँगी, जीरो वड्डा नैगेटिव ए तो ते नैगेटिव ए तो, ठीक लिखे मेरे ख्याल, ठीक है। सो जड़ा हैगा उस तो बाद क्या किया, उस तो बाद फिर पाई बाय टू एड कर दिता, इतने जीरो आ गया, इतने ऐड हो गया, तो इतने आ हो गया। सो अगर आ वाली चीज़ आ गई थोड़ी तो तुम जीरो तो पाई बाय टू उत्ते हो तो माइनस पाई बाय टू तो सी, तो यह मतलब विच तो लाई कर गए, विच लाई कर गए, तो यह मतलब है तुम टर्म कट सकते हो। जब तुम टर्म कट्टी यदा डेरीवेटिव जीरो आ गया। सो बड़ा ठीक ठाक हिसाब किताब आ गया। अगला क्वेश्चन उस तरह का है, ठीक है जी। सो दो मिनट मुक जाना अक्के होना, ठीक है, तो बोलने वाला भी अक जाता है, ठीक है। तुहाडे को फेस टू फेस जिहड़ा हैगा पढ़ाना होर चीज़ हुंदी है, मोबाइल अगे बैठ के खुद बोली जाओ, कई बार बोलने वाले भी अजीब लगी लगता मैं पता नहीं की कर रहा। सो टेंजेंट इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स, नीचे वन, ठीक है, एक्स माइनस पाई तो पाई दे विच लाई करदा, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, तो वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होंगे होंगे जी, यदा होंगे होंगे जी, ठीक है। सो इसको आपने जोड़ा हैगा सबलिट कर लिया, तो सबलिट करके ना जो सैट किया तो मॉड विच लिख लिया। हूँ मॉड विच लिखा तो हूँ माइनस पाई एक्स जोड़ा माइनस पाई तो जोड़ा हैगा है पाई विच लाई करता है, ठीक है जी। पिछली बार जीरो तो पाई से, एक तो पहली चीज़ देख लो कि नैगेटिव एंगल का मतलब की होंगे। नैगेटिव एंगल का मतलब हुंदा वी जे हुण ओह कहिंदा वी तुसीं माइनस पाई जाना तो फिर तुसीं इस तरफ जाना, उल्टा ट्रेस करना, बाकी कुछ नहीं। जे हुण प्लस पाई जाना तो इस तरफ जाना, ठीक है। मतलब नैगेटिव एंगल का मतलब हुंदा उल्टा ट्रेस होया हुआ तुहाडे को, ठीक है जी।
सो आपां ने क्या किया, आपां नूं पता सीगा कि क्वेश्चन दे विच दिता होया माइनस पाई, तो भाई आपां ने एक्स बाय टू की वैल्यू निकाल ली। सो एक्स बाय टू की अगर वैल्यू निकाल ली, ठीक है, तो एक्स बाय टू लाइज बिटवीन, ठीक है, माइनस पाई बाय टू तो पाई, इहदा मतलब पता की होया, इहदा मतलब यह होया बई तुसी जिहड़ा तुसी प्लस विच भी पाई बाय टू इत्थे तक जा सकते हो, माइनस विच भी इत्थे तक जा सकते हो, ठीक है जी। सो इहदा मतलब की होया तुहाडे कोल, इहदा मतलब या तो थोड़ा एक्स बाय टू पहले क्वाड्रेंट च रहेगा या फिर चौथे क्वाड्रेंट दे विच रहेगा, तो पहले च टैन पॉजिटिव हुंदा, चौथे दे विच जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल टैन जिहड़ा होगा वो नैगेटिव होगा, ठीक है। सो आ रहा थोड़ा मॉड, ठीक है जी, बट जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण ध्यान नाल देखो आपां कीता की है। मैं पहला और चौथा बोलता उरों तो थोड़ा यह लग रहा भी है तो दूजे तक जाता नहीं ना, आप एक्स बाय टू की वैल्यू लेनी है, अगर एक्स जीरो तो पाई बाय पाई चाहे तो एक्स बाय टू कि चले आ पहले च, सो आह वाली टर्म है जी इन्ना कैंसल हो जानी है, कोई दिक्कत नहीं की, तो एक्स बाय टू आ जाना। अगले वाले स्टैप के हैगा है आपने लिमिट आ ली, इतने ठीक ठाक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती, वो की कन्फ्यूजन क्रिएट होंगी है, बंदा पहला तो देखो एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन की है, अगर तुसी अरे मैं लिख देना थोड़ा फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जानी है, थोड़ी वैल्यू होंगी एक्स 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 ग्रेटर दैन जीरो माइनस एक्स वैन एक्स लैस दैन जीरो, आ थोड़ी डेफिनेशन है। सो जी डेफिनेशन है इहदा मतलब टैन मॉड इक्वल टू टैन एक्स कदों जो एक्स ग्रेटर दैन जीरो, एक्स की थान पर कौन है टैन एक्स बाई टू ग्रेटर दैन जीरो है, ठीक है जी, नैगेटिव जदों जदों ये नैगेटिव है। हुण दिक्कत की है, हुण तां तुसीं सिर्फ वो वैल्यू लैनी है जिस वैल्यू ते ए पॉजिटिव होवे, जिस वैल्यू ते ए पॉजिटिव होवे, हुण ए किस वैल्यू ते पॉजिटिव होएगी तुहाडे पास, ठीक है, एक्स अगर पहले क्वाड्रेंट च है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तुसी देखो क्वेश्चन आपां की लिखे, एक्स लाइज बिटवीन जीरो, पहला इत्थे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती भाई आ कितों आया जी, सवाल की स्टेटमेंट देखो, सवाल की स्टेटमेंट हैगी आह, ठीक है जी, तो आदा मतलब है कि एक बार सीधा पाई ट्रेस होगा एक बार उल्टा पाई ट्रेस होगा, यदा मतलब जीरो तो पाई जा रहे हो तुसी, तो नैगेटिव वाली ऑप्शन भी हैगी है। सो जीरो तो पाई नैगेटिव वाली, जिदा यदा एक्स बाई टू करांगे तो जीरो तो पाई बाई टू दे विच आ जाएगा, ना तो टेन नूं कट्टण च दिक्कत है, नाले पॉजिटिव आंसर आ गया, नैगेटिव वाले जो एक्स बाई टू करोगे तो माइनस पाई बाई टू तो जीरो टेन फिर कट हो जाएगा, तो थोड़ी नैगेटिव वैल्यू आ जाएगी, डेरीवेटिव किया तो आंसर हो गया। तो जे मैनू लगता सारे लैक्चर चो सिर्फ आ चीज़ है जी हो सकता थोनों डिफिकल्ट लगे थोड़े को, ठीक है जी, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे, ठीक है, फिर मैं लगता नहीं कोई दिक्कत आऊगी, ठीक है, कोशिश करदा आस रखदा भी तुहानू समझ आ गया होएगा, जे ना आया तां वी कुछ नहीं, हौसले बुलंद रखी दे हुंदे, कदे सवाल ना कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा, बाद विच हो जाएगा, कदे मोटिवेशन डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, थैंक यू।